पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में तो है, लेकिन लगता है ममता बनर्जी के इस राज में जय श्री राम बोलना गुनाह हो गया है। पहले ममता बनर्जी ने राम के नाम से बौखलाना शुरू किया, फिर सड़क पर जो बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते दिखे उनकी पिटाई की गई। अब विधानसभा में भी जय श्री राम बोलने से मना किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के विधायकों से कहा है कि वो विधानसभा के अंदर जय श्री राम और जय हिंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। इसके पीछे सदन के नियम कानून का हवाला दिया गया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने ये साफ शब्दों में कहा कि वो जय श्री राम और जय हिंद के नारे एक बार नहीं कई बार लगाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा? क्या ममता बनर्जी के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये बातें कही हैं? अगर जय श्री राम का नारा राजनीतिक तौर पर लगता है तब तो ठीक है, लेकिन जय हिंद बोलने से मना करने की जरूरत पश्चिम बंगाल में क्यों पड़ने लगी? टीएमसी को जय श्री राम के नारे का खौफ इस वजह से है क्योंकि हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे और 8 निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तब बीजेपी विधायक के शपथ लेने के बाद जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल हुआ था। अब 2021 में फिर से बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में ममता बनर्जी की घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।